नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और ये है आज की टॉप 10 खबरें। मुरादाबाद से सामने आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। फोन पर बात कर रहे दुकानदार ने कुत्ते के भौंकने पर उस पर किया पत्थर से हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई मौत। मृतका के परिजनों ने महिला के पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। आरोप है कि हत्या के एक दिन पहले विवाहिता ने अपने परिजनों को फोन कर ये बताया था कि उसका पति उसे मारने की धमकी दे रहा है। कानपुर देहात में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन है जारी। कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौकशी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और वह गौकशी के मामलों में फरार चल रहा था। हमीरपुर में ब्यूटी पार्लर खुलवाने का झांसा देकर पड़ोस के अधेड़ व्यक्ति ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बना ली और अब वायरल करने की धमकी दे रहा है। शाहजहांपुर में वेयर हाउस के संचालक व भाजपा के नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा नेता पर 3 करोड़ व उनके बेटे पर 11 करोड़ का राशन का शासकीय अनाज सड़ाने का आरोप है। वहीं आरोपी भाजपा नेता के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। छतरपुर के बड़ा मल्हारा के वन परिक्षेत्र में एक 20 फुट लंबे अजगर ने नील गाय के एक बच्चे को निगला। बच्चे को निगलता वहां पर मौजूद किसानों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर की सर्चिंग चालू कर दी है। भागलपुर के एक स्कूल में टीचर द्वारा छात्रा के साथ की गई छेड़छाड़ का मामला लगातार धूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भर्ती जा रही है चोरी की वारदातें, लेकिन पुलिस द्वारा नहीं लगाया जा रहा वारदातों पर अंकुश। में थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर एक पीड़ित सीओ कार्यालय पहुँच गया। छतरपुर में निकाली जा रही भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का नहीं मिल रहा आशीर्वाद। इस रैली को चंदला गांव के पास लोगों ने लाठी डंडों से रोक लिया। कहा कि जब तक रोड नहीं तब तक हम वोट नहीं देंगे। वहीं पुलिस ने आकर रास्ता खुलवाया और जन आशीर्वाद यात्रा को जाने दिया। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वहीं अयोध्या को एक और नई सौगात मिली है। बरसों से वीरान पड़े गणेश कुंड के जीर्णोद्धार के बाद यहां पर कुंड धार्मिक अनुष्ठान किया गया और गणेश कुंड की भव्य आरती उतारी गई। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें और बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज के साथ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।